कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बाईस मई को होगी कांग्रेस की समीक्षा बैठक, आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर होगा मंथन। यूपी में कई आईपीएस अधिकारियों का होगा तबादला, कई जेल अधिकारियों का भी हुआ तबादला, 6 जेल अधीक्षक और 6 जेलर हैं शामिल। संभल में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग टीम ने की छापेमारी, अल्ट्रासाउंड सेंटर पर हो रहा था भ्रूण लिंग परीक्षण। सिद्धार्थनगर में पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के काटे गए चालान। मेरठ में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद, एटीएम के कैशियर एजेंट से लूटे 15 लाख, बदमाशों ने हथियारों के बल पर की लूट। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में, मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। तो गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 400 लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने प्रशासन और पुलिस को पीड़ितों की मदद के लिए निर्देशित भी किया। उन्होंने कहा कि समस्याओं के निराकरण में देरी ना करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को हिदायत दी कि पीड़ितों की मदद और पात्रों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने में विलंब नहीं होना चाहिए, इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं निकाय चुनाव के परिणामों को लेकर कांग्रेस कल लोकसभा चुनाव 2024 चुनावों के लिए समीक्षा बैठक करेगी और अपने कदम आगे बढ़ाने की तैयारी करेगी। प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी 22 मई को पार्टी मुख्यालय में समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें सभी 6 प्रांतीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में मुख्य रूप से निकाय चुनाव में मिली हार और जीत को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन को लेकर भी मंथन होगा। वहीं बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। दरअसल साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ में उमर ने बिना अनुमति के विजय जुलूस और रोड शो निकाला था। इस मामले में पुलिस ने नगर कोतवाली में मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी और उनके छोटे भाई उमर अंसारी के साथ अन्य कुल 9 लोगों के खिलाफ अलग अलग 2 मुकदमे दर्ज किए थे। इसके साथ ही शुक्रवार को मऊ के MP MLA कोर्ट में मुकदमे में इन सभी आरोपितों को आरोप तय होना है। कोर्ट की कार्रवाई के दौरान मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी कोर्ट में अनुपस्थित रहे, जिसके बाद जमानती वारंट जारी किया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 2 जून को नियत की गई है। तो कल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं। तो कलीम, उमर अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, क्या कुछ है पूरा मामला? शुक्रवार को मऊ के MP MLA कोर्ट में श्वेता चौधरी की अदालत में कासिम जेल से जो है मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी की पेशी होनी थी। इसके साथ ही जो 8 लोगों की और पेशी हुई थी, इस दौरान उमर अब्बास अंसारी की बात की जाए तो वो इस पेशी में नहीं शामिल हुए थे और वो लगातार फरार भी चल रहे, क्योंकि इनके खिलाफ इससे पहले भी एक गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। क्योंकि आचार संहिता के दौरान जिस तरीके से इनके ऊपर एक मामला दर्ज हुआ था उसमें फरार थे, लेकिन जिस तरीके से 8 लोगों की कल पेशी हुई है लेकिन उसमें भी जब उमर नहीं पेश हुए हैं, तो इसको लेकर के जो कोर्ट है, कोर्ट ने इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है और इसके साथ 2 तारीख जो है रखी है कि 2 तारीख तक की इनको पुलिस गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करेगी। क्योंकि जो मामला है उस मामले में लगातार सुनवाई भी थी, क्योंकि 27 फरवरी 2022 का एक मामला आचार संहिता उल्लंघन
के जो दो मामले उसी मामले को लेकर के जो उमर है वो फरार चल रहे हैं, और अब जो गिरफ्तारी की बात की गई है, गैर जमानती वारंट जो जारी किया गया है उस मामले को लेकर के पुलिस पहले से तलाश कर रही, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ उमर नहीं आया है। लेकिन कहा जा सकता है कि जिस तरीके से 2 तारीख रखी गई है, 2 जून की तारीख दी गई है, उस 2 जून को जो है हर हालत में पुलिस उसको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करेगी, या फिर जो उमर है वो अभी भी फरार है तो क्या इसके ऊपर इनाम की राशि की जाएगी, इनाम की राशि के बाद इसको गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि जो मुख्तार अंसारी की बात की जाए, क्योंकि मुख्तार अंसारी का पूरा परिवार लगातार पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है, क्योंकि अब्बास भी जेल में है, पत्नी फरार है, मुख्तार जेल में है। अब जो उमर की बात थी, उमर भी अभी फरार चल रहा है, क्योंकि इनकी भी गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक उमर की गिरफ्तारी में किसी तरह की कोई सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन जो 2 तारीख दी गई है, क्या 2 तारीख तक पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी, या फिर पुलिस को चकमा देकर उमर अब फरार फरार रहेगा, ये बड़ी बात रहेगी। जी करीन, तो उमर अंसारी अभी तक फरार चल रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कड़ा रुख अपनाया नहीं जा रहा है। देखिए, साफ है कि जिस तरीके से उमर के खिलाफ जो अभियान है वो अभियान कितना सक्सेस होता है ये बड़ी बात रहेगी, लेकिन अभी तक फिलहाल किसी तरह की कोई सफलता नहीं मिली है। लेकिन जो बात की जाए, पुलिस भी दावा कर रही है कि उमर को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी, लेकिन कब तक करेगी इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि लगातार जो फरार गैंगस्टर के जो आरोपी हैं उन तक भी पुलिस नहीं पहुंच पाई है। इसको लेकर के जो मुख्तार का बेटा है उमर, इस तक भी अभी तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि इससे पहले भी गैर जमानती वारंट जारी हुआ था, उसको लेकर के भी किसी तरह की कोई सफलता नहीं मिली थी। पुलिस ने घर पहुंच करके जिस तरीके से डुगडुगी भी पिटवाई थी, उसके बाद भी किसी तरह की कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन अब जिस तरीके से 2 जून की तारीख को पेश करना है, क्या उस पेशी में उमर को गिरफ्तार कर पाएगी पुलिस, या गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर पाएगी, ये लोगों के बीच बड़ा सवाल बना हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद करें। वहीं इटावा में नेताजी मुलायम सिंह यादव की भाभी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ताई समुद्रा देवी का निधन हो गया है। 84 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका निधन आज सुबह करीब 3 बजे हुआ। वो पिछले काफी समय से बीमार चल रही थी और सफाई मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा था। समुद्रा देवी मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई रतन सिंह यादव की पत्नी थी। समुद्रा देवी के निधन की खबर सुनते ही पूरे सफाई परिवार में शोक का पसर गया है। अखिलेश यादव ने भी अपने आज के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। आज उनका पूर्वांचल दौरा था जिसे रद्द कर दिया गया है। अखिलेश पत्नी डिंपल यादव और परिवार के साथ सफाई जाएंगे। वहीं चाचा शिवपाल यादव भी परिवार समेत सफाई शामिल होंगे। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला लिया है। आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये फैसला लिया है। फिलहाल अभी बाजार में 2000 के नोट चलन में रहेंगे, लेकिन आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि अब सभी बैंक ग्राहकों को 2000 का नोट जारी करना बंद कर दे। आपको बता दें कि 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकता है। 30 सितंबर के बाद से ही 2000 के नोट वैध नहीं माने जाएंगे। वहीं 23 मई को से किसी भी बैंक में 2000 रुपए के नोट बदले जा सकते हैं। वहीं कई नेता इसके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कई नेता इसके खिलाफ बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसको लेकर गाजियाबाद वॉइस ऑफ बैंकिंग के संस्थापक अश्विनी राणा ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए देश के लिए फायदेमंद बताया। साथ ही बता दें कि इस फैसले के बाद कई दिग्गजों के ट्वीट भी सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी ने 2 आईएएस समेत 5 अफसरों के खिलाफ लोकायुक्त जांच शुरू होने पर बयान दिया है। उन्होंने सुल्तानपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आईएएस अफसर जब नौकरी में जाते हैं तो उन्हें लगता है कि टिकट मिल गया है भ्रष्टाचार करने का और गरीब लोगों से पैसा कमाने का। ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए जिंदगी भर के लिए। बता दें कि सुल्तानपुर दौरे के दूसरे दिन सांसद मेनका गांधी ने जनता दर्शन लगाया, जहां सैकड़ों की संख्या में आए फरियादियों की समस्या को सुनते हुए सांसद मेनका गांधी ने अफसरों को आवश्यक कार्रवाई के दिशा निर्देश भी दिए हैं। चंद्रा जी ने तो कह दिया है शौचालयों के बारे में, लेकिन इतना मैं कहना चाहती हूँ, जो औरतों को घर मिले प्रधानमंत्री योजना से पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सुल्तान आपको मिल रहे थे 1,11,000। हमने जाकर के विनती करके 30,000 और बढ़ा दी।
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आशुतोष जुड़ चुके हैं। तो आशुतोष, मेनका गांधी के इस दौरे में मेनका गांधी ने क्या कुछ बताया आपने इस भाषण में? बिल्कुल, आपको बता रहे हैं मेनका गांधी संसदीय का क्षेत्र है उनका, और ये महीने में एक आध दो बार जो है यहाँ पे आती हैं। वो अपने नगर में तमाम ब्लॉकों में या नगर में या हर जगह जो है भ्रमण भी करती है, और इसके अलावा जो है जो भी जनता की शिकायत होती है वो शांतिपूर्वक जो है सही ढंग से उसका निस्तारण करके जो है समस्या का हल भी करवाती है। उनका एक कल बाइक के दौरान जो है उनका एक विषय रहा, यहाँ पे जो अफसर जो है घुसखोरी करते हैं या जो खाते कमीशन खोरी उसको लेकर जो है उनको जो है एक जेल भेजने की बात कही है, और जिस तरह जो है ये वर्दीधारी बैंक के जो है आईएएस हो चाहे आईएएस के समेत के जो पांच अफसरों के खिलाफ जो है इन्होंने जो है जांच का वो आदेश दे दिया है, अगर ये सही ढंग से जो है कार्रवाई में पकड़े जाते हैं इनको जो है जेल की और के लिए बोला है। जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद आशुतोष। वही संभल में एक बार फिर हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। इस दौरान फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर डॉक्टरों को लिंग परीक्षण करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। वहीं मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। बताया जा रहा है कि यहां 50,000 में लिंग भ्रूण की जांच की जाती थी। वहीं छापेमारी के दौरान गर्भवती महिला से वसूली की गई रकम बरामद की गई है। साथ ही पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना राजपुरा क्षेत्र के कस्बा गाँव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मुबारक अली जुड़ गए हैं। तो मुबारक, अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, प्रशासन क्या कुछ कर रहा है इसको लेकर? जनपद संभल के राजपुरा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार छापेमारी कर रही थी, बाहर की टीमें लगातार छापेमारी कर रही थी। दूसरे में दो आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दो आरोपी गिरफ्तार करने का के बाद में उसमें दो आरोपी फरार हो गए हैं, और उसमें पुलिस इसमें जांच में जुटी है पुलिस, और इसमें लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीमें यहाँ पे मिली भगत से ये चलवा रही थी, और इसी के शिकायतें लगातार शिकायतें जा रही थी। तो बाहर की टीमें यहाँ पे हरियाणा की टीमें लगाई गई थी, तो उसके बाद छापेमारी की गई है। जी, तो मुबारक, आए दिन अस्पतालों से ऐसी लापरवाही की खबरें सामने आती रहती है, प्रशासन इस पे कोई सख्त रुख क्यों नहीं अपना रहा? इस प्रशासन इसमें मौन बना हुआ बैठा है। प्रशासन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। कोई घटना हो जाती है उसके बाद प्रशासन जांचता है, जब उसके बाद कोई कार्रवाई होती है। एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री लाग दावे कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग को लेकर, और उसमें जो गलतियां हो रही है उसको सुधारने के लाग दावे कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आ जाती है संभल के अंदर। और ऐसा वाकया पहली बार नहीं है, कई जगह की ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती है, कोई किसी हॉस्पिटल में या किसी उसमें मौत हो जाती है, फिर भी उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करता है, तो उसमें करीबन 8-9 दिन बाद उसकी सील कैमरे को खुलवा दिया जाता है अस्पताल के लिए। जी, तो मुबारक, इस घटना में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? इसमें दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और दो आरोपी फरार बताया जा रहा है, उनकी भी गिरफ्तारी जारी है। जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद मुबारक। वहीं यूपी के पुलिस महकमे में सरकार ने बड़ा फेरबदल करते हुए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी का तबादला कर दिया है। इसमें डीजी रैंक के कई अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। 6 जेल अधीक्षक और 6 जेलर भी इसमें शामिल है। बता दें कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रेणुका मिश्रा को डीजी प्रशिक्षण बनाया गया, तो वहीं आईपीएस प्रशांत कुमार को विशेष पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था के साथ विशेष पुलिस महानिदेशक एसआईटी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं सिद्धार्थनगर के बिजौरा चौकी पुलिस ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। एसपी के निर्देश पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभियान चलाया गया। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे गए, तो वहीं वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए सख्त निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें, पुलिस ने ये वाहन चेकिंग अभियान चलाया है, जिसमें वाहन चालकों को पुलिस ने सख्त निर्देश भी दिए हैं। यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर उन्होंने चालान भी काटा है बहुत से लोगों का, आपको बता दें। तो वाहन चेकिंग को लेकर पुलिस ये अभियान चला रही है, और एक सख्त रुख अपनाती हुई दिखाई दे रही है यातायात को लेकर। आपको बता दें, यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर पुलिस
चालान काटती हुई दिख रही है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां पुलिस वाहनों को रोककर चालान काटती हुई दिख रही है। आपको बता दें यातायात नियमों को लेकर पुलिस एक सख्त रुख अपनाते हुए दिख रही है। वहीं बाराबंकी में सड़क हादसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। लखनऊ बहराइच गोंडा मार्ग पर आए दिन दुर्घटना होती रहती है। वहीं बता दें कि थाना मसौली क्षेत्र अंतर्गत गोंडा बहराइच हाईवे पर चौधरी फिलिंग स्टेशन के सामने दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल व्यक्ति अपनी माँ के साथ बाइक से शादी के कार्ड देने लखनऊ जा रहे थे। अचानक कार ने फिलिंग स्टेशन की ओर अपने वाहन को मोड़ दिया, तभी पीछे से आ रही मोटरसाइकिल उससे टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही महिला की मौत हो गई। वहीं सूचना पर उप निरीक्षक ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को CHC बड़ा गांव भेजा, जहां हालत नाजुक होने के चलते घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं अगली खबर संभल से है, जहां पिता और बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां नाबालिग बेटी को डरा धमका कर सौतेले पिता पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। वहीं जब इसकी सूचना पीड़ित बेटी ने मां को दी तो मां ने थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। उसकी बच्ची के साथ सौतेले पिता द्वारा दुष्कर्म कारित किया जा रहा है। इस संदर्भ में थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया एवं हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो घटना सत्य पाई गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं विधि कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही जांच करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जाएगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मुबारक अली जुड़ चुके हैं। तो मुबारक, सौतेले पिता का एक घिनौनी हरकत सामने आई है, जहां उसने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है, क्या है ये पूरा मामला? का पूरा मामला है और दूसरी तरफ जो सौतेले पिता ने तो बच्ची के साथ में रेप किया है और कई बार रेप करता है, 12 साल की उम्र बताई जा रही है लड़की की, और दूसरी तरफ से माँ ने माँ को पूरी पूरा बाकिया बताया था। माँ ने थाने में तहरीर दी थी, थाने में तहरीर देने के बाद में तो उसके आरोपी को लिए गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया गया है। और दूसरी तरफ योगी सरकार लाख दावे कर रही है और बेटी पढ़ा बेटी बचाओ दूसरी, और कुछ ना कुछ घटना सामने आ जाती है संभल में। जी, तो मुबारक, आए दिन संभल से ऐसी खबरें सामने आ रही है, तो क्या कहीं ना कहीं संभल में बेटियां सुरक्षित नहीं है? वहां की प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है? यहाँ का प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है, कार्रवाई करने के बाद फिर उसके पिता सौतेले पिता को उसको जेल भेज दिया गया है और ऐसी कहने की घटना सामने आ जाती है। फिर भी मॉम इसमें बनी रहती है, कोई सामने ऐसा कोई वीडियो वायरल हो जाता है, वायरल के बाद जब पुलिस जागती है। मुबारक, अभी जो युवती है उसकी क्या कुछ हालत है? युवती की हालत तो सही है इस वक्त, और दूसरी तरफ जो माने जो शिकायत दर्ज कराने के बाद ना पुलिस उसमें हरकत में आई, हरकत आने के बाद ना फिर भी जब सौतेले पिता के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद मुबारक। वहीं बाराबंकी में एक डंपर अचानक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से डंपर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे डंपर को अपनी चपेट में ले लिया और डंपर धू धू कर जलने लगा। इस दौरान ड्राइवर और खलासी ने डंपर से कूदकर अपनी जान बचाई, तो वहीं राहगीरों ने घटना की सूचना डायल 112 पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहगीरों की मदद से आग पर काबू पाया है। वहीं सीतापुर हाईवे बिकेटी थाना के सामने सड़क हादसा हो गया, जहां बाइक सवार युवक युवती और एक नाबालिग को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे की सूचना पर बिकेटी थाने की भारी पुलिस के साथ दो इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे। इंस्पेक्टर ने थाने की जीप में ही घायल युवक को लादकर हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अवैस जुड़ चुके हैं। तो अवैस, क्या है ये पूरा मामला?
देखिए बिल्कुल आपको बताऊंगा कि लगातार जो सड़क हादसे हो रहे हैं इनको लेकर जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये ट्रैफिक व्यवस्था और जिस तरीके से ये सड़क हादसे ले रहे हो रहे हैं उन पर ट्रैफिक व्यवस्था कमा सवाल खड़े हो रहे हैं। आए दिन आपको देखने को मिला है यहाँ पर जो है सड़क हादसे हो रहे हैं। जी घटनाएं सामने आती हैं, क्या कुछ कार्रवाई कर रही है प्रशासन इस पे? जी देखिए बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि लगातार हादसों का जो लोग शिकार हो रहे हैं लेकिन अगर कार्रवाई की अगर हम बात करें तो कार्रवाई सिफर है, जीरो पर है और कहीं भी कोई कार्रवाई ऐसी नजर नहीं आती है। तमाम जो ट्रैफिक व्यवस्था है और तमाम जो रोड पर जिस तरीके से आए दिन खनन को लेकर गाड़ियां चलती हैं आए दिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है और जिसकी वजह से जो रोडों पर और जो सड़कों पर जो गाड़ियां चलती हैं वो अनियंत्रित होकर तेजी से तेज रफ्तार में कोई इस तरीके से अभी तक कोई इस पर रोकथाम नहीं लगाई जा रही है। आए दिन देखने को मिला है जिसमें सड़क हादसा होते इसमें एक की मौत भी हो गई है और जो तमाम जो लोग हैं इस पे इसी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और लोग सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं। तो बहुत लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं लेकिन पुलिस कोई सख्त रुख नहीं अपनाती, तो क्या इस मामले में पुलिस कोई सख्त कार्रवाई करेगी? नहीं देखिए आपको बता दें कि जब कभी ऐसे हादसे होते हैं तो पुलिस थाना पूर्ति करके खत्म कर देती है। ये मामला जो है थाना बीकेटी में हुआ था, इंस्पेक्टर अभय सिंह जितेंद्र यादव ने एम्बुलेंस को देरी देखकर पुलिस की गाड़ी से पहुंचाया था। कहीं ना कहीं पुलिस कभी कभी इस मामले में देखने को मिला है कि वो सतर्कता बरतती है लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि इस तरीके से जो हादसे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं पुलिस की हवा हलाली होती है, वो इसको हटा देती है और इसको जो है नजरअंदाज करती है, देर से एम्बुलेंस आती है, तमाम जो इस तरीके की घटनाएं होती हैं उस पर रोकथाम फिलहाल नहीं लग पा रही है। जी तो मोहम्मद जो ये ट्रक चालक है क्या पुलिस ने उसको पकड़ लिया है, क्या कुछ कार्रवाई की है पुलिस ने? जी देखिए आपको बता दें कि ये ट्रक चालक जो है इसको अभी तक पकड़ा नहीं गया है और इसकी जो सामने मौके पर मौत हो गई और ये जो है उसी जांच चल रही है उसमें तमाम लोगों को जो है पुलिस वो इकट्ठा कर रही है, तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है और इसमें जो है मौत हो गई लेकिन अभी मामला जो है पूरा जीरो पे है, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी जी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद मोहम्मद। वहीं मेरठ में 15 लाख की लूट वारदात को अंजाम दिया गया जहां एटीएम के कैशियर एजेंट से बदमाशों ने 15 लाख रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि कैशियर एजेंट बाइक से एटीएम मशीन में पैसे डालने जा रहा था तभी बाइक सवार दो बदमाशों ने हथियारों के बल पर 15 लाख रुपए की लूट कर ली और मौके से फरार हो गए। वहीं सीसीटीवी के जरिए पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। थाना मवाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि 15 लाख की बड़ी लूट का मामला सामने आया जब बदमाशों ने बैंक से 15 लाख रुपए लूट लिए। वहीं बदमाशों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं, बदमाशों में सरकार का कोई खौफ नहीं दिखाई दे रहा। आपको बता दें जहां एटीएम से बदमाशों ने 15 लाख रुपए लूट लिए वहीं बता दें जो बदमाश थे वो बाइक सवार थे। बाइक से आए हुए बदमाश कैशियर एजेंट से उन्होंने 15 लाख रुपए लूट लिए। आपको बता दें साथ ही बदमाश जो थे वो हथियारों से लैस थे। आपको बता दें जहां बदमाशों के अंदर कोई खौफ नहीं दिखाई दे रहा है वहीं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजन सोनकर जुड़ चुके हैं। तो राजन बदमाशों में कोई खौफ नहीं दिखाई दे रहा है, 15 लाख की लूट करी है उन्होंने एटीएम से, प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? देखिए जो है बेलगाम हो चुका है और वहीं मैं 15 लाख की लूट की बात करूं तो बदमाशों ने शुक्रवार को सरेशाम काव्य एंटरप्राइजेस कंपनी के कैशियर से 15 लाख रुपए लूट लिए। कैशियर बाइक से ये रकम इंडियन वन बैंक के एटीएम में पैसे डालने जा रहा था। एसएसपी समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल के बाद चेकिंग अभियान चलाया गया लेकिन बदमाश हद से नहीं चढ़े, वो मौके से फरार हो गए। ये गंगानगर निवासी है काविंद्र चतुर्वेदी, काव्य एंटरप्राइजेस कंपनी है, ऑफिस भी गंगानगर में ही है और कंपनी पर देहात क्षेत्रों में लगे एटीएम रकम डालने का इन्होंने ठेका ले रखा है और
ईशापुरम निवासी है जो कैशियर, उसका नाम नंदन है, ये कंपनी में कैशियर का काम करता है और इंडिया वन बैंक के एटीएम में रकम डालते हैं। शुक्रवार शाम नंदन जब बाइक से मवाना के सुभाष चौक, बैसुमा और फलादा स्थित एटीएम में रकम डालने जा रहे थे, तभी वहां पहले मवाना के सुभाष चौक पर पहुंचने पर बैसुमा और फलादा, लेकिन तीनों एटीएम में ये पैसे नहीं डाल सके किसी कारण से, क्योंकि उसमें एटीएम में पहले से कैश था, इसलिए वहां से रकम लेकर लौट रहे थे। तभी शाम करीब 4:15 बजे जब मेरठ फोड़ी हाईवे स्थित कोल पुल के पास में पहुंचे तो बाइक सवार जो बदमाश होने नकाबपोश में थे और ओवरटेक करके हुए नंदन को रोका और पिस्टल तान दी और उनसे 15 लाख रुपए का जो कैश था वो भरा बैग उनसे लूट लिया। इन्होंने किसी तरह डायल 112 पर सूचना दी, मौके पर पीआरबी पहुंची और तमाम अधिकारी जो वरिष्ठ अधिकारी थे पुलिस के वो मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। वहीं आसपास के सीसीटीवी पुलिस खंगाल रही है। राजन, आए दिन एटीएम से ऐसी लूट की खबरें सामने आती रहती है, लेकिन पुलिस कोई सख्त रुख अपनाता हुआ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए लोगों का भी यही कहना है कि अगर पुलिस इस मामले को छिपाती नहीं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर मिली है कि पुलिस काफी देर तक तो इस घटना को छुपाती रही, क्योंकि लूट की बहुत बड़ी वारदात हुई है, 15 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती, और दो बदमाश वो भी जो सरेआम दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देके फरार हो जाते हैं और पुलिस उसमें कुछ भी नहीं कर पाती है। ये चेकिंग के नाम पर जो वहां पर खाना पूर्ति होती है, बैरिकेड लगा के 2-4 गाड़ियों के कागज चेक करके अपनी ड्यूटी यानी कि कागजों में चढ़ा दी जाती है, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। वहीं एसएसपी ने कह दिया है कि टीमें गठित कर दी गई है, बहुत जल्दी इस मामले का राजपाल किया जाएगा और जो भी ये बदमाश है उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है अगर पुलिस सतर्क रहती और पूरे बॉर्डर को यानी कि चारों दिशाओं से सील कर दिया जाता, संबंधित थाने को मैसेज भेज दिया जाता, तो बदमाश कहीं ना कहीं आज सलाखों के पीछे होते और जो पीड़ित है उसका जो कैश 15 लाख रुपए का जो नुकसान हुआ है कंपनी का, वो भी 15 लाख रुपए लूट नहीं पाते। जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद राजन। वही हरदोई में डिलीवरी के बाद जच्चा बच्चा को लेकर घर छोड़ने जा रहे एक एम्बुलेंस चालक को बाइक सवार 3 अज्ञात युवकों ने पीट दिया, जिसमें एम्बुलेंस चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, तो वहीं उसके मुंह और गर्दन में काफी चोटें भी आई हैं। वहीं घायल अवस्था में चालक का साथी उसे बाइक पर लादकर पाली PHC पहुंचा, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि रास्ते में एम्बुलेंस को क्रॉस करने की कोशिश में दो बाइक आमने सामने की भिड़ंत हो गई। एम्बुलेंस चालक को इसका जिम्मेदार मानते हुए एक बाइक पर सवार होकर 3 लोगों ने बाइक आगे लगाकर एम्बुलेंस को रोक लिया और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। वहीं कार्यवाहक थाना अध्यक्ष ने बताया कि तहरीर नहीं मिली है, जिसके चलते तहरीर मिलने पर मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें, अस्पताल में भर्ती को छोड़ने जाते समय एम्बुलेंस चालक को पीट दिया गया। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हर्षराज जुड़ चुके हैं। तो हर्षराज, क्या है ये पूरा मामला? जिला शाहजहांपुर के थाना जलालाबाद के ग्राम बछुआ आम निवासी राम नारायण वर्मा पाली PHC को 102 एम्बुलेंस चालक के पद पर तैनात है। उसने बताया कि शुक्रवार की शाम 6 बजे के आसपास पाली PHC से एक महिला की डिलीवरी होने के बाद उसे छोड़ने गौरा उदयपुर गाँव जा रहा था। उसके साथ में EMT दिनेश कुमार सिंह थे। नहर पटरी मार्ग पर रत्नापुर पुलिया के पास एम्बुलेंस को क्रॉस करने की कोशिश में दो बाइकें आमने सामने में आपस में भिड़ गईं। एम्बुलेंस चालक को इसके जिम्मेदार मानते हुए एक बाइक सवार होकर 3 लोगों ने बाइक आगे लगाकर एम्बुलेंस को रोक लिया और राम नारायण को गाली गलौज करते हुए डंडे से मारा पीटा है, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया और सड़क पर बेहोश होकर गिर गया है। उसके बाद तीनों युवक मौके से फरार हो गए। चालक का साथी उसे बाइक पर लादकर PHC लेकर पहुंचा। जी जैसे कि आप देख सकते हैं, आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, जिसको देखकर लगता है कि बदमाशों के अंदर प्रशासन का कोई खौफ नहीं रह गया है। फिलहाल पुलिस को तहरीर प्राप्त हो गई है खबर लिखने के बाद, उसके बाद यह है कि मामले की जांच हो रही है। जी जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद हर्षराज। वहीं अलीगढ़ में ट्रक और ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत हो गई, जहां ट्रक का टायर फट गया
और अनियंत्रित ट्रक बालू के ट्रैक्टर से लदा हुआ जाके ट्रक ट्रैक्टर से भिड़ गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। हरदुआगंज थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। जिससे उसकी बैलेंस भी ख़राब हो गया और ट्रक आ रहा था बारूआ की चेक कर उसके उसके बैलेंस खराब होने से तो उसके दोनों में टक्कर हुई और दोनों की काफ़ी चोट आई। ये कितने बजे की घटना है? ये 5:30 बजे के बाद की घटना है। वहीं यूपी में अगले 48 घंटे तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें 48 घंटों तक ये हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। भीषण गर्मी से लोगों को अपनी तपिश से बेहाल करने वाली ये गर्मी, यूपी के 19 जिलों में हीट वेव को येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं यूपी के 19 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है। मौसम विभाग ने मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, प्रयागराज, हमीरपुर, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, बांदा, महोबा, जौनपुर, कुशीनगर, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ और संत कबीर नगर के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। तो आपको बता दें भीषण गर्मी से यूपी में बुरा हाल है, जिसको लेकर प्रशासन ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है यूपी के 19 जिलों में। आपको बता दें इस समय यूपी के 19 जिलों में 40 डिग्री सेल्सियस है, जिसके बाद से प्रशासन ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। यूपी में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। आपको बता दें 19 जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है, वहीं यूपी में इसके चलते येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जानकारी के लिए हमारे साथ सुहानी जुड़ चुकी है। तो सुहानी, क्या कुछ हाल है यूपी के इन 13 जिलों के? जी शाह, बता दें आपको कि जो मई और जून का जो समय होता है गर्मी के लिए, वो बहुत बड़ा ही एक गर्मी से लोग पूरे आम जनता परेशान हो जाती है। वही इस बार जो रिकॉर्ड तोड़ जो गर्मी देखने को मिल रहा है, आप समझ सकती है 40 के पार बताया जा रहा है गर्मी, इससे आम जनता काफी इससे परेशान है। वही आपको बता दें कि जो जीव जंतु है वो भी इससे परेशान है, और ये भीषण गर्मी के साथ साथ जो है लू जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। और इसके लिए जो स्वास्थ्य जो मंत्री हैं उन्होंने भी जो जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें तमाम व्यवस्थाएं कर रहे हैं, क्योंकि इस लू के चलते आप समझ सकती हैं गर्मी में भी आ सकता है किसी को, जो भी ऐसी बीमारियां हो वो बेहोश होकर गिर रहे हैं। तो ऐसी तमाम जो गर्मी है उसके लिए लेकर यूपी सरकार में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही इसमें जो स्कूल की बात करें तो इसमें जो 1 से लेकर 8 तक माध्यमिक शिक्षा के जो बच्चे जो है उनके जो बंद कर दिया गया है 20 मई से लेके आपको 15 जून तक उनके स्कूल का जो समय पूरी तरह से बंद किया गया। वही जो बड़े स्कूल जैसे कॉलेजेस हैं और 10 से ऊपर से जितने भी कॉलेजेस हैं उनके समय में भी परिवर्तन किया गया है, क्योंकि इसमें जो लू चलते भीषण गर्मी के साथ जो लू चल रहा है उसे कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है, और इसमें येलो अलर्ट जारी कर दिया गया पूरे। वही आप बता दें कि 16 जो यूपी के 16 क्षेत्रों में कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, और इससे लोग राहत पाने के लिए तमाम व्यवस्थाएं भी की जा रही है। आपको बता दें कि वही जो चक्रवात जो आपको आप इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद सुहानी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।